नमस्कार अउ जय जोहार आप जम्मो संगवारी मन ला। मैं मनीषा देवांगन स्वागत करत हूँ आप मन के मोर मितानिन चैनल में। आज मैं हाँ वट सावित्री के उपास आवा। मोर दीदी है पूजा नाम है कर। जय जोहार संगवारी हो। दोनों जन हन उपास में अपन दीदी के घर आए हों। पहली बार रहा था तब मोल नहीं मालूम रही से का करना है, कर कारण मैं अपन दीदी के घर आए हों। चलो आप मन ला दिखा थन पूजा पाठ के विधि ला। अब हमन जावत हन वट वृक्ष में पूजा करे बर। अब हमन वट वृक्ष के पास आ गए हन संगवारी हो। अब पूजा पाठ चालू करबो, आप मन ला दिखाबो एक एक ठन विधि विधान से कैसे पूजा करना है। चल चल प्रणाम आंटी। हाँ हो गया हो गया। अरे बाप रे ये ही वैसी होता है ना। चीकू गिरना नहीं दे इसको, रख लेते सबको। मैं उस तरफ आ जाऊँ। हाँ जाओ उस तरफ। दिया जलाना जलही कि नहीं जली पता नहीं। मैं भी निकालो वैसे में नहीं मैं नहीं तो एक ठन आहे तोड़ दिया ना बाद में जला दे। हाँ, ले 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 पहली कर ले। पहली नहीं सब ल जमात हो। अच्छा। आशा रखा मैं भी निकालत हूँ। अब हमार पूजा के सामग्री तैयार हो चुके हैं संगवारी हो। ये सिंगार के सामान है यहाँ, सिंगार के सामान माता बरगद पेड़ ला चढ़ाए बर, माता सत्य सावित्री माता चढ़ाए बर। ये दे बे बे, बे। वट पेड़ के पत्ता में लिखे हुए श्री सत्यवान सावित्री एला हमन चढ़ाबो 12 ठन। और ये हरे ये बांस के डंडी से बनाया जाते हैं, आटा से पीला करके एला एला जटा बोलते हैं और सिंगार भी बोलते हैं। एला भी सत्यवान सावित्री में कर चढ़ाबो हमन हा। और ये हरे कुंवारी धागा जो ला हमन हा 12 बार फेरा लेबो और वट वृक्ष में फेरा लेके एला बांधबो। आओ यदि हमारे गौरी गणेश विराजमान हो गए है, कलश देवता विराजमान हो गए है। बस अब कुछ ही देर में अब पूजा हमन चालू करबो। चालू करबो चलो पूजा चालू कर। हाँ सबसे पहली वट वृक्ष श्रृंखला सबसे पहली हमन वट वृक्ष में 12 बार जल डालबो। जय चलो पानी ला दे तो पास में संगवारी हो। मामू हाँ 12 बार पानी डालो वट वृक्ष में। अब एक बार हमन हाथा देबो अगला 12 बार हाथा दे जाते वट वृक्ष में। मैं हूँ 12 बार हाथा दूँ संगवारी को।
सिंदूर बंदन लगा देथन जेमे हाथ देहन ते में सिंदूर लगा दे बारह जगह में चला बोल गौरी गणेश के पूजा करबो के अब हमन गौरी गणेश के पूजा करबो संगवारी हो चलो दीदी कर थन कर कर फूल चढ़ाबो गौरी गणेश भगवान ला कलश देवता कलश देवता के पूजा करबो अब कलश देवता पूजा करबो जल छिड़काव करबो चल अब हमन लाहन टीका लगाऊं कलश देवता चल हाथ लगा हाँ अबे का पत्ता वट वृक्ष के पत्ता ला ए वट वृक्ष के पत्ता ला हमन वट वृक्ष में चढ़ाबो बारह ठोहरे हा मिला भी चढ़ाबो एकरो पूजा करना है वट वृक्ष के पत्ता भी पूजा करबो दीदी कहीं चढ़ो जय मैं पहली बार करा था तेकर नाम से मोल नहीं मालूम है संगवारी हो तेकर नाम से अपन दीदी घर आए हो तो वो मोल बतात जाते हो बतात तो इसने करा था चलो अपन धागल भी इन्हें रख देते हैं धागल भी रख देते हैं धागल और इसे लास्ट में बांधते हैं नारियल नारियल गौरी गणेश कलश देवता नारियल चढ़ाते नारियल गौरी गणेश में कलश देवता में वट वृक्ष में चढ़ा अब भोग लगा दो हमन हाँ गौरी गणेश कलश देवता वट वृक्ष में ये आज के उपवास में ये चना मेन है भोग हरे भगवान के गौरी गणेश के कलश देवता के वट वृक्ष के ये चना के भोग लगावा था ना मने दे संगवारी हो जय उसमें देना फल के भोग लगाऊं संगवारी हाथ पाट को देना हाथ पाट को वट वृक्ष में कलश देवता में पत्ता में अब चना भोग लगाऊं वट वृक्ष के चना भोग लगाऊं संगवारी हूँ ये वट वृक्ष में आज के उपवास में गुलगुल भजिया 12 ठन और वो सोहारी 12 ठन ये मेन भोग हरे इला हमन चढ़ावा थन
सिंगार के सामान लेने का। अब सिंगार के सामान चढ़ावो संगवारी हो, मैं पहली बार पास रहा था तो नाम से साड़ी वाड़ी सब चढ़ावा था, चढ़ा चढ़ा वही में गौरी गणेश सब में छुआ के मैं छुआवा था, गौरी गणेश माता सत्यवान सावित्री में चढ़ा, माता सत्यवान सावित्री वट वृक्ष चढ़ा दे था। हाँ वही में रख दे। यदि महू संगवारी हो माता रानी में अपन सुहाग के समान भेंट करत हूँ। सब चीज चढ़ी पीछे सब चीज ला चढ़ा रहे हैं संगवारी हो। अपन बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं माता रानी से हमन हाँ अपन अमर सुहाग के लिए। अब बैठ के प्रार्थना करबो संगवारी हो। ये थोड़ा डाउन है फूल हाथ में फूल लेने हाँ। हाथ में फूल रख के प्रार्थना करबो भगवान करे सावित्री जैसे ते अपन सुहाहे माँ सत्यवान सावित्री कृपा करबे जैसे ते अपन सुहाग के रक्षा करके रक्षा करे हस वैसने हमरो सुहाग के रक्षा करबे आशीर्वाद देवे अखंड सौभाग्यवती देवे। जय बोलो सत्यवान सावित्री माता की जय की जय। मतलब सबला साइड करथन तब घूमबो हाँ। अब चना ला हमन 12 ठो अपन हाथ में रखबो संगवारी हो। दो और 12 फेरा लेना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब एक बार 12 फेरा लेना है हमन ला। अपन अपन धागल उठा लेथन हमन हाँ अपन अपन धागल उठा महू उठा लेथो संगवारी हो। अब बेला बांधबो हमन हाँ अच्छा बांधे बीच में टूटा उठे मत इसे डबल करके बांधे तीन घो कह रहे हो ना तोला तीन थियन ला तीन गुच्छा लपेट बे मैं एक गुच्छा इसे करके तीन लपेटे अच्छा आराम से धीरे धीरे घूमबे है ना टूटे मत ना कुछ बांधे मत पड़े बीच में भी हड़बड़ावे मत। बोलो सत्यवान सावित्री माता की जय। अब इतनी सीधा घूमो हाँ 12 बार घूमो एक एक बार घूमबे और एक बार चैनल डालबे और पास सिंदूर लगाबे है ना सिंदूर वट वृक्ष में सिंदूर लगाबे तान ओकरे सिंदूर अपन में लगाबे हाँ ठीक। बोलो सत्यवान सावित्री माता की जय। बोलो सत्यवान सावित्री माता की जय। तो सत्यवान सावित्री जय आराम से घूमत जाबे जय। हाँ जटा मन निकले हैं। चैनल डालो हाँ सिंदूर लगा जय सत्यवान सब अपन में लगा ना सिंदूर हाँ अपन में लगा उसका जटा के लपन में लगा ना सिंदूर हाँ अब अपन में लगा एक हो थोड़ा हटान भर दूसरा फेरा ना जय सत्यवान सावित्री माँ सौभाग्यवती दे ये तीसरा फेरा हुई समरमन के कितना फेरा हो गया तीसरा हाँ।
जय सत्यवान सत्यवान खनुष कुमार अब हमार मन के बारवा फेरा कंप्लीट हो गए संगवारी हो अब हमारे चना ला चढ़ा देते हैं लास्ट में टीका लगा के वट वृक्ष में इन्हीं में के जो जटा के टीका ला अपन मांग में लगाना है ये धागा ला तोड़ना नहीं है संगवारी हो देखा ये धागा ला इन्हें लपेट के ऐसे बांधना है ओकर बाद तोड़ना है बांध के अब अब यही धागा के हमला माता रानी के आशीर्वाद से 6 पुरुत 12 पुरुत करके इसे एला कर हमला 12 पुरुत करना है हाँ माला पहनना है हाँ जय सत्यवान सावित्री माता खंड सौभाग्यवती अब ये माला ला हमला 3 दिन तक पहनना है तीसरा दिन पूर्ण हो एक बार एला तरिया में ठंडा कर देना है फिर तीसरा दिन तरिया में ठंडा कर देना है चलो 12 बार कंधा ले माता रानी से आशीर्वाद 12 बार कंधा लेना है माता रानी लेते पहली ले ले फिर मैं ले 2 3 दोनों बहनी मन अब एक दूसरा ला सिंदूर लगाबो सुहाग के जे तोर सुहाग अखंड सब अमर रहे अखंड सौभाग्यवती मांग तोर सौभाग्य अखंड सौभाग्यवती रहस जिंदगी भर बधाई हो बोल वट सावित्री के बहुत बहुत बधाई हो इसने हर साल हम दोनों जन इतने पूजा करन अब ये वट वृक्ष के जो ये फल हावे तेला हमन तोड़बो और वही यही फल ला हमन हम 12 टुकड़ा करके एला हमार जो उपवास है निर्जला तेला हमन तोड़बो ये फल ला अब हमन तोड़बो और जो फल ला उपवास है ना निर्जला यही एकरे 12 टुकड़ा करके हमला अपन उपवास ला तोड़ना है संगवारी हो नीचे ये वाले फल हरे ये दे ये बहनी देख बहनी ये दे ये फल ला कैसे करो बहनी ला ए दे चना एक ठन चना धर अच्छा चना भी धर हाँ एक ठन चना धर बे और फिर ये मल्ला इसे 12 टुकड़ा छोटे छोटे कर अच्छा 12 टुकड़ा करो हाँ छोटे छोटे चना तो एकदम छोटे का 12 टुकड़ा हाँ उला 12 टुकड़ा कर बे है ना चना ना फिर ना हाँ तहाँ लही दोनों 12 12 हो जाए ना तहाँ ले ला लीलबो हमारे यहाँ चाबना नहीं है है ना दोनों जन लीलबो तहाँ ले एक गिलास पानी में हमन ला एला लील के अपन उपवास ला हमन हा तोड़बो निर्जला उपवास ला लील डरबे नहीं बहनी एक मोर 12 ठन हो गए फर हा मनो हो गए और चना चना तको ना चना तो अब्बड़ छोटे से थे कर 12 टुकड़ा हो जाए हाँ हाँ ये दे दे इसे रमन थे ना तान हो गए 12 टुकड़े समझ लो चाबे मत लीलबे पानी में अभी लेकिन एला नहीं करा ने एक जगह रख देते हैं पहले हमारे महाराजिन दाई हावे तेला अपन सुहाग के सामान भेंट कर देवा थन एन महाराजिन दाई हावे एला हमन हा सिंदूर दान कर थन पहले और माँ एला अखंड सौभाग्यवती वस्तु हमन हा भेंट कर थन सिंदूर लगा लो ए महाराजी दाई हरे ला हमन सिंदूर दान करत हन सौभाग्यवश के वस्तु भेंट करत सौभाग्यवती भव ए तुम लोग क्यों चढ़ रहे बेटा बच्चे लोग का काम नहीं है
ए दे संगवारी हो, अब हमन एला अपन जो निर्जला व्रत है तेला हमन अब तोड़बो। एला वट के बीज बीज का बोलते फर से आउ चना के फर से। बोलो सत्यवान सावित्री माता की जय। अब एला हमन घुटकबो संगवारी हो। हमारे से इतने नहीं गुड़काए बहनी, पानी पीबो तो गुड़काए हम उसने घुर रहा पानी। अब हमन हुमन का रसन संगवारी हो। हुमन है अब हुमला डाल हूँ मैं यहाँ। और मंत्र के उपचार करना है गायत्री मंत्र के। कहानी सुन के घटक कौन आए कहानी सब ला सब बस आवे जका है तू। अब महाराजिन दाई है हमन ला कथा सुनाही। तब कहीं अभी कथा सुने पर हमन बैठे हन। अभी बतावा कि सत्यवान सावित्री माता सावित्री कैसे बनी से ओकर वो कैसे अपन पति ला वो यमराज से वापस लाई से ये सब कथा ला हमन विस्तार से माता जी से मुख से सुनबो। तोर जत का शक्ति भाभी ते 12 ठन ले लील ले या 12 टुकड़ा कर ले। नहीं 12 टुकड़ा करना चाहिए। चलो अब हमन कथा सुनते। बोलो सत्यवान सावित्री माता की जय। मध्य देश के अशोकपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न हो कहा, पुत्र तो नहीं है पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उसे कहा कि अब तुम अपने योग्य मन चाहा खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी महाराज अशोकपति से भेंट करने के लिए आए। इधर बैठ जाओ, फेरा कर रही है, कुछ नहीं होता, कंकड़ संकड़ ऐसा बोलते हैं ना प्रदीप जी ऐसा। इधर एक दिन अचानक नारद जी मध्यराज अशोकपति से भेंट करने के लिए आई। तभी सावित्री भी अपने लिए वध पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर अशोकपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर भी खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। प्रजाजनों ने महाराज धूम सिंह को ले जाकर आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अशोकपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए वध करना आवश्यक है। बोलो सावित्री की जय। थोड़ा सा भजन करता हूँ तुम्हारा पता है पता नहीं कौन था तो अब कथा कंप्लीट हो गए संगवारी हो। अब मैं श्रृंगार के सामान लाए हो तेला 5 जन महिला ला बांटूं।
सुहाग के समान पांच जन महिला मन ला बांटू। चलो मैं अपन पति के लिए उपवास हो, संगवारी हो, का ओकर लंबी उम्र के लिए अखंड सौभाग्य मिले तो वही मानना चाहिए। मोर पति के सुहाग अमर रहे, अमर रहे, मोर पति के सुहाग अमर रहे, अखंड सौभाग्य। मोर पति के सुहाग अमर रहे। चेहरा दिखा, चेहरा नहीं दिखा था। अरे मनीषा एलम ब्राह्मण है। बैठ मौसी बैठ। अब मैं यहाँ पांच जन महिला मन ला बांट दे रहे संगवारी हो। अब हमारे मन के पूजा पाठ पूरा खत्म हो चुके हैं। मैं वीडियो यहीं आखिरी करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।